नमस्कार, स्वतंत्र भारत में आपका स्वागत है। इस समय लोकसभा इलेक्शन पूरे जोरों पे है और हमारी कोशिश है कि हम अपने सारे दर्शकों को लोकसभा इलेक्शन में नेताओं के अंदर क्या चल रहा है, वोटरों के अंदर क्या चल रहा है, उसकी पल पल की खबर अपडेट करें। इसी कड़ी में हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलकर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी और जिसे एशिया का मैनचेस्टर भी कहते हैं, कानपुर पहुँचे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से भाजपा से जुड़े हैं और पूरे जोश से जुड़े हैं, हमारे साथ हैं। इसके अलावा ये आरएसएस के बड़े पद से रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा इस समय मौजूदा समय में ये उत्तर प्रदेश एससी एसटी आयोग के सदस्य भी हैं। छविलाल सुदर्शन जी, हमारे स्वतंत्र प्रभात चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। सर, जहाँ तक मैंने आपके बारे में पता किया है, आपकी लाइफ भी आपके प्रधानमंत्री मोदी जी से कम उतार चढ़ाव से भरी नहीं थी। खास करके हमारे पास कई मेल कई मैसेजेज आए कि जब आप छविलाल सुदर्शन जी का इंटरव्यू लें तो उनके लाइफ से जुड़ी कुछ बातें जरूर पूछें। हमारे दर्शकों की ये डिमांड है और भारी डिमांड है कि आप अपने जीवन के जो भी उतार चढ़ाव रहे हैं और आपने अपने जीवन का जमीन से लेकर यहाँ तक जो सफर तय किया है, मैं जानता हूँ आप एक गरीब परिवार से थे, आप उसके बारे में 60 में हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के चरखारी तहसील ग्राम के अंतर्गत सरुआ मेरा जन्म हुआ। बहुत इंटीरियर क्षेत्र है और मेरी शिक्षा दीक्षा बहुत उच्च स्तरीय नहीं रही, क्योंकि मैं शिशु मंदिर से प्रारंभ से ही मेरी शिक्षा दीक्षा जुड़ गई थी, इसलिए मैं सीधे संघ से जुड़ गया था। बाल स्वयं सेवक रहा, संघ से मेरी जो है शिक्षा के समय से ही प्रवेश हो गया था। कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण परिवार मेरा बहुत गरीबी बहुत मजबूरी में था। वाल्मीकि समाज में वहाँ बसोर कहते हैं, हमारे उत्तर निर्धन परिवार का होने के नाते मैं कानपुर चला आया और रोजी रोटी सीखा और यहाँ आकर के मैं कुछ प्राइवेट फैक्ट्रियों में नौकरी करता रहा और परिवार की जीविका चलाते हुए भी राजनीति में मैं सेवे तोड़ के रखी और संघ के कार्यक्रमों में निरंतर जो है संपर्क बनाए। भारतीय जनता पार्टी में काम करने का, वो उस समय जनसंघ में काम करने का इसलिए मन में संकल्प था कि यह राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत होती है पार्टी की। इन्होंने, इस पार्टी ने हमेशा राष्ट्रीय स्तर के मामलों में मुद्दों में संघर्ष किया है। कुछ नेहरू परिवार की नीतियों में के बारे में हमारे मन में वो बहुत अच्छा नहीं आया और उनसे प्रभावित होकर के भारतीय जनता की नीति से प्रभावित होकर के भारतीय मुझे याद है कि मैं 75 में जब जेल में था तो उस समय राम रतन राम करके एक एडीएम था, उन्होंने जब जेल में मुझसे मिलने गए तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी कौन जात है। मैंने बात अपनी जात बताई तो उन्होंने कहा तुम फिर जनसंघ में कैसे हो गए, तुमको तो कांग्रेस में होना चाहिए था। मैंने उनसे कहा कि अब आप राजनीति करने आए हैं या उससे पूछने आए हैं, और अगर आप राजनीति करने आए हैं तो आप बताइए कांग्रेस ने हमको या दलितों को दिया क्या है। तो हमें कांग्रेस में, कांग्रेस से तो सहारा है ही नहीं, सहारा टूट चुका है। अब इसलिए हमको अपना अपने पैरों पर हमें ये तय करना है, अपने विवेक से तय करना है कि हमें कौन सी राजनीतिक पार्टी अपना सम्मान के साथ हमारे अधिकार देने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोगों ने जनसंघ उस समय बड़ा माहौल बनाया उन्होंने और ये कहा कि क्या कभी जनसंघ भी सत्ता में आएगी। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं संगठन मंत्री था और साकेत विभाग में तो 2 दिन मुझे प्रदेश कार्यालय में भी देने पड़ते थे और वही राम रतन राम जब नौकरी से रिटायर हुए तो कानपुर से राज्यसभा के लिए वो भारतीय तब तक भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने के लिए। मैंने पूछा उनसे तब तो आपका भविष्य कांग्रेस में ठीक रहता राम रतन जी, भाजपा में क्यों आए हो। तो इस तरह की तमाम परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियों के कारण मैं कानपुर आया और कानपुर में मैंने अपने परिवार के बच्चों को जो उनका चलाते हुए
हमारी पत्नी भी नौकरी करती है, उससे कोई हमारे बच्चों को जो कुछ और मैं राजनीति में जुड़ा रहा और राजनीति में रहा। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, विपक्ष का खास करके राहुल गांधी जी का, इसीलिए उन्होंने अपने एक भाषण में मंच से बोला है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो हर 10 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपये सालाना के हिसाब से। कांग्रेसी खेमे का मानना है कि इससे भाजपा बैकफुट पे गई है और कई पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि ये वोटरों पर एक बड़ा प्रभाव डालेगी, उनका ये मैनिफेस्टो है जो उन्होंने ये बात डाली। आपका इस पर क्या कहना है? मैं माननीय राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने कभी खाते भी इसको उनके खुलवाए हैं? उनको कभी बैंक के चौखट पर जाने के लिए भी कभी उनके मन में ये भाव पैदा किया है? जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने करोड़ों करोड़ों उन दलितों के खाते खुलवाए, ये किसके खाते में पैसा भेजेंगे? और अभी तक 50 साल सरकार में रहे तब कितने पैसा इन्होंने किस गरीब के खाते में भेजा है? भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में काम किया है, लेकिन किसान को भिखमंगा नहीं बनाया है। किसान को उनके स्वाभिमान के आधार पर उनको खड़ा करके उनकी मेहनत का उनको उनकी कीमत दी है। ये किसानों को पैसा दे करके उनको पंगु बनाया जा रहा है, उनका स्वाभिमान सम्मान छीना जा रहा है। किसान को उनका सम्मान मिलना चाहिए, उनकी उनकी उपज की कीमत मिलना चाहिए, उससे किसान संभलेगा। रहे खाद और इसके लिए बीज के लिए मोदी सरकार ने 6,000 साल उनके खाद और बीज के लिए जो छोटे खेतियाँ जिनके पास में किसान और खाद और बीज के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है उनके सूदखोरों के पास उनको जाना पड़ा है। 6,000 साल उनके फ्री आपका उनके जो है खाते में जाता है। ज्ञान संघ के प्रांत विचारक जी को और मुझे दोनों का ट्रांसफर वहाँ किया और वहाँ जिस समय पर हम लोग पहुँचे हैं और तीसरे दिन जो है ये विवादी देश तक जाते और उसके बाद फिर संगठन में हम लोग काम करते रहे। अभी बीच में सामाजिक समरसता मंच जो संघ का प्रकल्प है तो मैं प्रांत का काम देखता रहता हूँ प्रांत प्रमुख के नाते। और अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के नाते फिर मुझे सामाजिक समरसता मंच क्या अटल अडवाणी की भाजपा थी पहले, इस समय मोदी अमित शाह की भाजपा है, इन दोनों भाजपा में आप क्या अंतर देखते हैं और क्या परिवर्तन आपको लगता है? देखिए उस समय कार्यकर्ता कब थे, पार्टी नेतृत्व रहे हमारा कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करता था, लेकिन कार्यकर्ताओं की संख्या कम थी इसलिए संवाद होना संभव ज़्यादा था सीधे। आज ये संख्या का बल बहुत बढ़ गया है और हमारी पार्टी भी पूरे देश में बढ़ गई। उस समय पर कुछ प्रांतों पर छिप गई अडवाणी जी का नेतृत्व तो और अटल जी का नेतृत्व तो ये ठीक है कि सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के नेतृत्व नेताओं को बड़ा दूरदर्शी नेता माना, राष्ट्रभक्त नेता माना, चाहे वो इंदिरा गांधी के साथ चल रहा हो चाहे नेहरू जी का साथ चल रहा हो, बेबाक राष्ट्रीय हित में काम करते रहे। लेकिन आज जो है हम विपक्ष के लिए राजनीति करते रहे, आज हम सत्ता की राजनीति करते हैं और पहली लाइन से हमको सेकेंड लाइन पर, क्योंकि जनता ने पहली लाइन को जो है कभी सत्ता नहीं दी, विपक्ष की जिम्मेदारी दी है और आज मोदी को सेकेंड लाइन लेकर के आए तो जनता ने सत्ता। 2014 का जो रुझान था जनता, इस समय 2019 में आप क्या रुझान देखते हैं? लहर मोदी की वही है या इस बार कुछ कमी आई? देखिए संख्या बल के हिसाब में कहेंगे कि जो संसद में हमारी संख्या थी वो उतनी कम रहेगी क्या या सरकार नहीं बना पाएंगे क्या, ये कहना असंभव है क्योंकि जिन प्रांतों में हम पिछली बार 2014 में
हम अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, पार्टी प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, उन प्रांतों में भी हम अच्छी बढ़त बना करके हम अगर थोड़ा बहुत कहीं से अगर कम होंगे, वैसे हम यहाँ से 73+ की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और हमें विश्वास है कि हम 73+ करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता पूरी तरह से जनता का जो आशीर्वाद जो मिल रहा है उस तरह से हमारा विश्वास है कि हम 73+ करेंगे, और अगर कहीं से थोड़ा बहुत है तो हमारा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है, कुछ ऐसे जहाँ पर प्रांतों में हम नथिंग थे वहाँ पर हम बड़ा। उत्तर प्रदेश में आप अपनी सीधी लड़ाई किससे मानते हैं, कांग्रेस से या सपा बसपा गठबंधन से? सीधी लड़ाई कहीं पर ऐसा नहीं है। अब जैसे कानपुर की आप लड़ाई मान करके चलिए तो ये जो गठबंधन का प्रत्याशी है ये हमारे कांग्रेस के मिली भगत से, ये मात्र डमी कैंडिडेट के रूप में, ये कि भाजपा का जो निषाद वोट है वो भाजपा से अलग हो, इस योजना के तहत जो है शिवकुमार जायसवाल ने इस कैंडिडेट को मनोहर लाल जी के सपोर्ट को खड़ा किया। लेकिन निषादों में भी ऐसा नहीं है, अब समझदार लोग और वो इस बात को बड़ी समझदारी से ले रहे हैं, निषादों का वोट जो है मनोहर लाल के लड़के को नहीं मिल रहा और कटनी का वोट बीजेपी के खाते में। 2019 में मतदान के लिए आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहते? मैं मतदाताओं का बड़े निवेदन पूर्वक उनसे आग्रह करूंगा कि अपने मत का पूरे ताकत के साथ भारी संख्या के साथ कोई भी मतदाता ये न रह जाए कि मतदान ना करें। मतदाताओं को जागृत करने के लिए हम लोगों ने कई कई रैलियां भी निकाली और मतदाताओं से निवेदन किया है, प्रार्थना किया है कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिए, आपके जो जिस प्रत्याशी पर आपकी विचारधारा अच्छी बनती हो उसको दीजिए, लेकिन मत का प्रयोग जरूर करिए, ये सब मतदान के विषय में जागरूकता पैदा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ छविलाल सुदर्शन जी थे जो अटल जी के समय में इनके अंदर जो जोश था उस समय के युवा थे, आज भी वही जोश इनके अंदर देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।